अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल ज़मीर ऑनलाइन सीखने डॉट कॉम की जानिब से। ब्लॉगर की ट्रेनिंग हमारी जारी है और इस क्लास में बात करेंगे कि कैसे आप पोस्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉगर में। तो ये मेरे पास पेज ओपन है, डैशबोर्ड बैकएंड मेरे पास ओपन है और ये मेरा ब्लॉग है जो मैंने क्रिएट किया था और इसका यूआरएल मैंने तब्दील किया था। तो इसको मैं यूआरएल वही देता हूँ जो मैंने तब्दील किया था, 000 लिखा था मैंने, तो ये मेरे पास वही ओपन आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन है मेरे पास, ठीक है, न्यू पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू पोस्ट कर सकते हैं और इधर आप देखें ना, देयर आर नो पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्लिक करके पोस्ट कर सकते हैं, न्यू पोस्ट। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये कुछ ऑप्शन भी हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर मेरे पास आ गया है। तो यहाँ पर आप देखें, वेलकम टू माई न्यू साइट, ये उसी ब्लॉग का टाइटल आ रहा है जिस पर मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइटल देता हूँ, ये मेरे कीबोर्ड का मसला है या, अच्छा जी, मैं कुछ ऐसे करता हूँ कि मेरे पास कोई डमी जो वो होता है, टैक्स होता है, ये कोई और साइड मेरे ख्याल से निकल आई है। ठीक है, ये नहीं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि पैराग्राफ, हाँ ये है मेरे ख्याल से, यहाँ पर अपनी साइड पड़ी थी मेरे पास, हाँ यही है, अच्छा जी यही है। ठीक है, तो इस पर मैं जैसे आता हूँ ये मेरे मुझे पैराग्राफ देता है। ठीक है, तो मैं ये दो पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, और ये और भी मेरे साथ आ गया, अच्छा इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इसको तो मैं डल करता हूँ, अच्छा जी ये आर्टिकल मेरे पास आ गया है। ठीक है, दो पैराग्राफ मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँ, आप ये इन ऑप्शन को समझें, ये ऑप्शन क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने हेडिंग अगर बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, हेडिंग। ठीक है, अगर इसको सब हेडिंग बनाना है तो आप सब हेडिंग पर क्लिक करें तो ये सब हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं HTML पर आता हूँ, HTML पर, तो ये HTML की कोडिंग अगर आपको आती है तो HTML की कोडिंग के ज़रिए से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने पेज को। ठीक है, हेडिंग भी दे सकते हैं। तो कंपोज पर मैं आता हूँ और इस तरह करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये नॉर्मल टेक्स्ट है तो मैं इसको पैराग्राफ करता हूँ, पैराग्राफ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये आप इस तरह करते हैं कि HTML में जैसे आएंगे तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। अच्छा जी, ये पैराग्राफ में नहीं है। ठीक है, तो इसको पैराग्राफ में लाने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास टैक्स है ना यहाँ से, ठीक है, आप इसको पी का टैग भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पी जहाँ पर आप देना चाहते हैं, यहाँ पर आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये आपका HTML अगर आती है तो आप इस तरह पैराग्राफ दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसको ये टैक्स क्यों बड़ा हो गया, तो इसको अभी सेट करता हूँ, ये मेरे ख्याल से ये इसको खुद से टैक्स लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर लिख सकते हैं कि HTML इज़ द बेसिक लैंग्वेज टू लर्न वेब डिज़ाइनिंग, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो बोल्ड करना है तो बोल्ड पर क्लिक करेंगे, अगर डिटेल है कि अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये बेसिक ऑप्शन है, ये हर किसी को आते हैं, ये कलर होता है, लिंक होता है, ये इमेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। फ्रॉम दिस ब्लॉग अगर आपने अपलोड करनी है, ठीक है, तो अपलोड करनी तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर उस पर अगर पढ़ें तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो मेरे पास ये पड़ा था, फ्रॉम द गूगल अचीव फ्रॉम योर फोटो, तो अपलोड इस पर क्लिक करके इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस तरह करता हूँ को इसको बीच में लाता हूँ कुछ,
ठीक है। इसकी अलाइनमेंट को आप देखें ना, स्मॉल इसको कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और दूसरा एक कैप्शन भी कर सकता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि ठीक है, अगर किसी चीज़ और की ज़रूरत है तो आप कर सकें, रिमूव कैप्शन भी कर सकें, इसको रिमूव भी कर सकें। प्रॉपर्टीज़ पर आएँ और टेक्स्ट भी देख सकें, अल्टरनेट टेक्स्ट। फर्स्ट करेंगे इमेज नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, सॉरी क्या जहर होना चाहिए, ठीक है, इमेज की जगह पर असल। और टाइटल तो आपको पता है, जैसे यूज़र इस पर कर्सर को ले जाएगा तो टाइटल होटल, ठीक है, सॉरी ये माइक थोड़ा सा हिल गया। अच्छा जी, अच्छा और क्या इसमें है, ये बुलेट हैं और नंबरिंग है, आप देख सकते हैं, एलिमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा यहाँ पर अगर आ जाए तो ये कह रहा है कि लेबल, अब लेबल जो होती है ना कैटेगरीज की तरह होती है, ठीक है, कि आप इसकी लेबल क्या है, तो मैं यहाँ पर लग करता हूँ कि HTML, ठीक है, डन। और वेब डिज़ाइनिंग भी दे देता हूँ, वेब डिज़ाइन, ठीक है। तो आप कॉमर्स लगा कर ना, कॉमर उसके बाद स्पेस ये दे सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल का मतलब ये होता है कि ये पोस्ट आप कब करना चाहते हैं, अभी भी करना चाहते हैं या सेट डेट करना चाहते हैं, ठीक है, कि फलां डेट को ये पोस्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम नहीं करना चाहते तो हम अभी इसको पब्लिश करेंगे। परमा लिंक जो आपके ये लिंक होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखें ना, ये तो वो है पेज करने में, ऐसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि SEO पर और SEO ट्यूटोरियल्स, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ये कैटेगरीज हैं, ठीक है, ऐसे ट्यूटोरियल ये कैटेगरी है, और इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, कॉमन, ये आपके पास जो एक URL बन गया ना, 5 common SEO mistake, इसको परमालिंक कहते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप किस तरह बनाना चाहते हैं, तो मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक परमालिंक, ये जो आपका टाइटल है ना उसी को ये ले लेगा, ठीक है, और उसको परमालिंक बना देगा। ये देखें ना, हाउ टू लर्न HTML उर्दू, ये इसको लिया इसने। कस्टम अगर करना चाहते हैं तो आप कस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं हाउट को मिटा देता हूँ और ये दो इसको, ये जो वर्ड्स हैं ये रहने देता हूँ, डन करता हूँ। ये इसी को आप यूज़ करेगा। लोकेशन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। ऑप्शन देखें, अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आपके जो साइट पर इस पोस्ट पर कोई कमेंट करेगा, वो कमेंट करे या ना करे, एलो रीडर कमेंट, ठीक है, उसको एलो करते हैं। कंपोज मेड, ठीक है, HTML को आप अगर करना चाहते हैं, ठीक है, लाइन ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसको ओके कर दें, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि हाँ ये ऑप्शन आप रह गए, ठीक है। क्लोज़ अगर आप करना चाहते हैं इसको, क्लोज़ नहीं करना चाहते, प्रीव इसको देखना चाहते कि पोस्ट हमारी कैसे शो होगी, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह पोस्ट आपकी शो होगी, ठीक है। और यहाँ पर आकर सेव भी कर सकते हैं ड्राफ्ट में, हम इसको करते हैं पब्लिश। पब्लिश जैसे हम इसको करेंगे तो ये फ़ौरन हमारे पास ये शो कर देगा, ऐड कमेंट। जैसे आप यहाँ पर कमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी जो पोस्ट है ना, गूगल प्लस का जो आपका प्रोफाइल है, वहाँ पर ये पोस्ट हो जाएगी। तो मैं इसको नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल रफ़ है, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास पोस्ट हो गई है, ठीक है। इसको मैं अब रिफ़्रेश करता हूँ, इस ब्लॉग को रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये क्या होता है देखते हैं। हाँ ये हमारे पास ये ज़ाहिर हो गया है, ठीक है, इमेज भी आ गया है। और रीड मोर जैसे करेंगे तो ये इमेज अब हमारे पास समाल, जैसे हमने इसको समाल किया था। अब यहाँ पर देखें ना, ये लेबल्स आ गए, कैटेगरीज ही समझें इनको, ठीक है। वेब डिज़ाइन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यही पेज ओपन होगा, ठीक है। अच्छा जी, जैसे HTML पर क्लिक करेंगे तो वो भी इसी पर आ जाएगी, इसी पेज पर, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट कॉमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस पोस्ट पर इंटर को पोस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉमेंट कर सकते हैं। अच्छा ये आपको डेट भी शो कर रखी है, कब आपने इसको पोस्ट की थी, इस पोस्ट को कब आपने पोस्ट की थी, ठीक है जी। यहाँ पर देखें, पब्लिश भी एक हो गया है, ऑल भी एक हो गया है, तो मेरे ख्याल से आप पोस्ट कर सकेंगे। दोबारा अगर आपने न्यू पोस्ट करनी है तो न्यू पोस्ट पर आ जाएं और यहाँ पर टाइटल दें और यहाँ पर लिखना शुरू कर दें। कंपोज भी कर सकते हैं, ठीक है, और HTML पर क्लिक करके, अगर आपको HTML आती है तो आप HTML के जरिए से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप दोनों काम कर सकते हैं। और इनको भी थोड़ा सा समझें, पोस्ट की सेटिंग होती है ये, ठीक है, लेबल्स कैटेगरीज, किस पोस्ट जो कर रहे हैं आप वो किस कैटेगरीज की है, शेड्यूल कैसे आप उसको पोस्ट करना चाहते हैं, और ये अहम चीज़ ये परमालिंक होती है कि परमालिंक आप कैसे बनाना चाहिए। परमालिंक 3-4 वर्ड्स की होनी चाहिए, ठीक है, जो मेन के वर्ड भी उसमें शामिल होना चाहिए। अगर आपको SEO आती है तो आप इसको समझ सकेंगे, मैं इसको इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, क्योंकि ब्लॉगर की ट्रेनिंग के बाद SEO की ट्रेनिंग होगी, ब्लॉगर की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, ब्लॉगर की SEO, ठीक है। ऑप्शन इनको भी आप ऐसे रहने दें, ठीक है।
तो ये अहम चीज़ें ये होती हैं, परमालिंक और लेबल होती है, ठीक है। बाकी को आपने नहीं छेड़ना इतना ज़्यादा। एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो वो सेटिंग जब हम उसकी करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टेटस पर बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है, कि स्टेटस भी आपको समझ आए कि स्टेटस बेसिकली होता क्या है। तो मैं आपको दिखा भी लेता हूँ किस पर बहस करेंगे, स्टेटस स्टेटस पर, ठीक है, स्टेटस पर, कि आपकी साइट का जो पूरा वो होता है कि क्या हो रहा है आपकी साइट के साथ, ठीक है, ब्लॉग के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब इसका आप मुआयना करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम